मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस खबर हिमाचल के कांगड़ा से। हिमाचल के कांगड़ा में सीटू के कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर फिर से एकजुट हो गए हैं। सीटू कार्यकर्ताओं ने अन्य संगठनों के साथ मिलकर अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए आज प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर जमकर भड़ास भी निकाली। सीटू ने चेतावनी देते हुए कहा कि मजदूरों की समस्याओं की ओर यदि शीघ्र ध्यान नहीं दिया गया तो वह अपने संघर्ष को और तेज कर देंगे। सीटू कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार मजदूरों की अनदेखी कर रही है, मजदूरों की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, देश में आज़ादी से पहले के कानूनों को बदला जा रहा है। उनका आरोप था कि मजदूरों की आर्थिक स्थिति अब दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और देश में जब से मोदी की सरकार सत्ता में आई है तब से लगातार मजदूर विरोधी फैसले लिए जा रहे हैं, जिसमें देश में मजदूरों की स्थिति और भी दयनीय और नारकी होती जा रही है। जब से देश में महामारी फैली है तब से भूखे पेट लगभग 1000 के आसपास मजदूरों ने अपनी जान तक गंवा दी है। मजदूर भूख से तड़प रहे हैं और सरकार कुंभकर्ण की तरह सोई हुई है। उनका आरोप था कि सरकार पूंजीपतियों के साथ मिलकर श्रम कानूनों में बदलाव कर रही है जिससे मजदूरों का हनन हो रहा है। इन हमलों में श्रम कानून में 8 घंटे के बजाय 12 घंटे का काम लेना, मनरेगा मजदूरों को काम ना देना, इसके अलावा जब चाहे छटनी कर देना और EPF सुविधा छीन लेना इत्यादि शामिल हैं। सामाजिक सुरक्षा का जो कानून है उनको भी उन्होंने बदल दिया। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के नाम पर वो लेकर के आए हैं जिसके तहत जो पेंशन हमारे को मिलती थी पेंशन को खत्म किया जा रहा है। अभी वो जो हमारा PF का पैसा था जो PF के पैसे से हम पेंशन लगने थी उस पैसे को भी वो सट्टा मार्केट में रिलायंस वालों को दे रहे हैं। उसका मतलब ये है कि आज मेरा पैसा कट रहा है, आज सरकारी एम्प्लॉयज़ का पैसा कट रहा है, आने वाले समय में जब 60 साल के हो गए रिटायर हो गए इनका पैसा वापस मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं। ये जो कानून है और अभी सरकार ने एक और जो इसमें कर दिया कि व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के एक संहिता और उन्होंने प्रोड्यूस की अभी शनिवार को जिसके तहत स्वास्थ्य के ऊपर भी कटौती हो रही है ना। लोगों को अगर काम करते हो चोट लग जाएंगे और लोग अपना इलाज खुद करवाएंगे, मतलब पहले वर्कर है ना ठेकेदार करते थे आप अपना इलाज खुद करवाएंगे इस प्रकार से लोगों को हमले पड़ेंगे। इसको लेकर के पूरे देश में आज है ना बड़ी यूनियनें हैं, 11 बड़ी यूनियनें हैं, DMS को छोड़ करके सारे लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले समय में जो भी कोऑर्डिनेशन कमेटी की कॉल आएगी उस कॉल को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, डेफिनेट तौर पर आंदोलन तेज किया जाएगा। उसकी राजनीति केंद्र की सरकार की होगी और हिमाचल प्रदेश की सरकार की। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.